हम इसमें संभालने के लायक होते हैं, वैसे वैसे आपका प्रमोशन होते जाते हैं। रस्ट अबाउट से लेकर के रिग मैनेजर तक एक, लेकिन एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा सैलरी उनका 3 लाख 4 लाख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग ड्रिलिंग कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उनकी जॉब वहाँ पे कैसी मिलती है, और ये जो ड्रिलिंग कंपनियां होती है, जैसे आपने सुना होगा रिग की कंपनियां, यानी कि रिग में जॉब मिलना एक बहुत ही क्रिटिकल जॉब होता है और बहुत ही आसानी से ये जॉब नहीं मिलता है। आप कह सकते हैं कि जिनका नसीब अच्छा है उन्हीं को इस फील्ड में जॉब मिलती है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कि इसका जॉब कहाँ पे आता है, कैसे हम अप्लाई करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर इतना ही आसान होता तो मैं भी उसी कंपनी में, यानी रिग का जो काम होता है, जो ड्रिलिंग कंपनियां होती हैं, उसमें मैं भी जा करके और अच्छे खासे पैसे, महीने के 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपए मैं भी अर्न कर सकता था। लेकिन ये पॉसिबल सबके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल जॉब होता है और बहुत ही मुश्किल से ये जॉब मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें, लोग उसमें एंट्री कैसे करते हैं और कौन कौन सा उसमें पोजीशन होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, जो ड्रिलिंग कंपनियां होती है, यानी रिग का जो काम होता है, आपको पता होगा कि रिग का जो जॉब होता है वहां पे ड्रिलिंग का काम होता है। ड्रिलिंग करके जहां से क्रूड ऑयल निकलता है, और जब क्रूड ऑयल निकलता है उसी को रिफाइनिंग करके डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, ये अलग अलग ऑयल में फिल्टर करके और अलग अलग ऑयल बनाया जाता है। तो जो ड्रिलिंग की कंपनियां होती हैं, ये गल्फ कंट्रीज में स्पेशली कितना सैलरी मिलता है, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सैलरी गल्फ कंट्रीज में और ड्रिलिंग कंपनियां में, यानी रिग में, अगर आपका जॉब इंडिया में भी लग जाता है तो इंडिया में भी लोग 3 लाख 4 लाख, आपने सुना होगा 8 8 लाख के महीने रुपए लोग कमाते हैं। और इसमें क्या है, रोटेशन पीरियड होता है 15 दिन या 1 महीना, यानी 15 दिन या 28 दिन पे रोटेशन होता है। और जो लोग नए इंट्री किए होते हैं उनका हो सकता है कि 3 महीना पे या 1 महीना पे होता हो, लेकिन जो लोग इस कंपनियों में पुराने हो जाते हैं उनका तो 15 दिन या 28 दिन पे ही रोटेशन होता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंट्री करने के इसमें कौन कौन से तरीके हैं। इसमें 3 तरीके हैं जिससे कि आप इसमें इजीली एंट्री कर सकते हैं, अगर आपके नसीब में लिखा हो तो, लेकिन इसमें जाना इतना आसान नहीं होता है। तो एक तो अगर आप इंडिया में किसी के रेफरेंस के थ्रू कहीं पे जॉब पकड़ लिए, या गल्फ में भी अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, सॉरी कोई रेफरेंस है गल्फ कंट्रीज में जो ड्रिलिंग में ही काम करते हो और मैनेजर से उनका अच्छा जमता हो, तो हो सकता है कि आपको वहां पे बुला ले। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशन कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा वालों के लिए ज़्यादा बेटर होता है, बाकी भी जा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमा को प्रेफर किया जाता है इसमें। और इसमें देखिए, अलग अलग पोजीशन में आपको बता देता हूँ कि आप स्टार्टिंग एकदम शुरू से करते हैं वहाँ पे और आप कहाँ तक जा सकते हैं। इसमें जो पोजीशन होता है रस्ट अबाउट क्या होता है, जैसे कोई क्लीनर होता है, जो हेल्पर होता है, वहां पे ये आपको काम करना होता है। यानी कि जो भी ड्रिलिंग का काम चलता है तो वहां पे जो क्लीनिंग का काम होता है, डीजल भर के और आपको जितना भी है मशीन वगैरह वो सब क्लीनिंग करना होता है। तो जो रस्ट अबाउट होते हैं ये एक पोजिशन है, यानी सबसे लोअर पोजिशन उसमें होता है। उसके बाद होता है फ्लोरमैन। आप रस्ट अबाउट के बाद अगर काम करते हैं कुछ महीने का या कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप फ्लोरमैन में चले जाते हैं, और फ्लोरमैन से आप डेरिक मैन बनते हैं। ये भी एक पोजीशन है, फ्लोरमैन से ऊपर आता है, और डेरिक मैन के बाद आप बन सकते हैं असिस्टेंट ड्रिलर, यानी ड्रिलर के साथ आप रहेंगे। असिस्टेंट ड्रिलर में काम करते करते आप चले जाएंगे ड्रिलर में, ड्रिलर आप मेन ड्रिलर हो जाएंगे, और उसके बाद आपका अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप टूल पुशर बन जाते हैं। और जो टूल पुशर होते हैं ये आप कह सकते हैं कि वहाँ का एक वो सुपरवाइजर होते हैं, जैसे नॉर्मल किसी कंपनी में कोई सुपरवाइजर होता है। तो इसमें जो रिग का जो काम चलता है वहाँ पे जो टूल पुशर होते हैं वो वहाँ पे पूरा काम को सुपरवाइज करने का इन्हीं का जिम्मेदारी होता है। और टूल पुशर में आपका कुछ साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप सीधा वहाँ का रिग मैनेजर बन जाते हैं।
इसमें आप रस्ट अबाउट से लेकर के रिग मैनेजर तक बन सकते हैं। इसमें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, आप जो भी काम इसमें संभालने के लायक होते हैं, वैसे वैसे आपका प्रमोशन होते जाता है। ये इतना क्रिटिकल जॉब होता है क्योंकि वहां पे जाने के लिए सेफ्टी का ट्रेनिंग होता है, वहां का कार्ड बनता है। और रोटेशन क्यों 15 दिन या 30 दिन या 3 महीने का होता है, क्योंकि वहां पे जो H2S गैस वगैरह निकलते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो इसीलिए रोटेशन जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब एंट्री करने का जो एक तरीका मैंने बताया, किसी का आपका कोई रेफरेंस वाला है तो वो तो बुला लिया, ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। और ज्यादातर जो लोग हैं रेफरेंस के थ्रू ही इसमें जाते हैं, क्योंकि वो अपने कोई जान पहचान का लोग बुला करके सेट करा देते हैं, काम करते करते उनका एक्सपीरियंस होते जाता है, वहां का सर्टिफिकेट मिलते जाता है और फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो है वो तरीका ये है कि जनरल जैसे हम लोग कोई भी जॉब के लिए सर्च करते हैं, जैसे लिंक्डइन पे हो गया या जो अब्रॉड असाइनमेंट करके जो पेपर में आता है, जो कंसल्टेंसीज में आते हैं, तो रिग का भी ऐसा ही जॉब आता है, पेपर में दिया रहेगा, किसी किसी कंसल्टेंसी में आ जाता है, तो वहां पे देख करके आप जा सकते हैं और वहां से आपका जो भी इंटरव्यू होगा और फिर आप वहां से जा सकते हैं। और जो तीसरा है, कभी कभी आप गल्फ कंट्रीज में किसी सप्लायर कंपनी में आ जाते हैं जो कि आपको सप्लाई में रिग कंपनियों को देती है। रिग कंपनियों में क्या होता है कि जो काम करने वाले होते हैं उनके पास जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, वो काम करेंगे 15 दिन, और जब 15 दिन के लिए घर पे जाते हैं तो वही 15 दिन के लिए यहाँ पे सप्लायर से वो जो रिग जो ड्रिलिंग कंपनियां हैं, सप्लायर से कोई उसके जगह पे, अगर मान लीजिए ड्रिलर हो गया या कोई रस्ट अबाउट हो गया या कोई फ्लोरमैन हो गया, वो अगर वहां से चला जाता है तो वो लोग 15 दिन के लिए बाहर से हायर करती है। तो वही सप्लाई में जो लोग काम करते हैं वही लोग वहां पे जाते हैं। तो सप्लाई में काम करके, यानी सप्लाई में वहां पे जाके वहां पे उनका एक्सपीरियंस होते जाता है और सर्टिफिकेट वगैरह भी ये लोग जो रिग मैनेजर से बात करके सर्टिफिकेट वगैरह ले लेते हैं, तो इनके पास भी सर्टिफिकेट हो जाता है। और फिर कभी भी मौका मिलेगा तो इनके पास तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया रिग का, तो इनके लिए भी आसान हो जाता है, कहीं भी अगर कोई कंसल्टेंसी में रिक्वायरमेंट आ गया या डायरेक्ट किसी मैनेजर से पहचान हो गया तो ऐसे जॉब मिल जाती है। तो ये 3 तरीके हैं, मतलब आपको जानकारी में होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो मैंने पोजीशन बताया, इसके अलावा जैसे वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट आता है, क्योंकि रिग में जैसे ड्रिलिंग का काम चल रहा है तो वहां पे पाइप वाइप का स्ट्रक्चर का जो वेल्डिंग का काम होता है तो वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट आता है। तो वेल्डर के लिए क्या है कि किसी भी ऑयल एंड गैस में आपने काम किया है तो वहां पे अगर अगर आप कंसल्टेंसी में रिक्वायरमेंट आता है ड्रिलिंग कंपनी के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने सप्लाई में काम किया है किसी भी रिग के साइट पे तो आपके लिए और भी बेहतर होता है, और भी इजीली हो जाता है, क्योंकि जिसका भी रिक्वायरमेंट आता है उसी से रिलेटेड उसी फील्ड में जो लोग काम किए रहते हैं उन्हीं को ज्यादा हायर किया जाता है। ये आपको भी पता होगा क्योंकि पहले से जो लोग काम किए हो तो उस काम के बारे में अवेयर होते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने बताया कि रस्ट अबाउट से लेकर के रिग मैनेजर तक एक सीरीज चलता है, मतलब इसी में लोग वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद एक पोजीशन आता है मटेरियल मैन का, वहां पे जो भी मटेरियल का हैंडलिंग करना होता है, मटेरियल को वहां पे साइट पे चाहिए या कहीं पे भेजना है, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए मटेरियल मैन होता है। और वेल्डर तो एक मैंने बता दिया कि वेल्डर भी वहां पे चाहिए होता है, और इसके अलावा मैकेनिक भी चाहिए होते हैं, जो कि वहां पे जितने भी जनरेटर वगैरह चल रहा है, जो भी मशीनरी है, तो वहां पे हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह कुछ भी वहां पे खराब होता है तो मैकेनिक भी वहां पे चाहिए होता है। वो लोग का भी रोटेशन जो है वो 15 दिन या 30 दिन में होता है, थोड़े से पुराने होने पे, स्टार्टिंग में 3 महीना पे, लगभग 3 महीना से ज्यादा कोई वहां पे नहीं रुकता है। अगर 3 महीना से ज्यादा रुकेगा तो आपके बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है, इसीलिए रिग का जो साइट होता है वहां पे ऐसे छुट्टी मिलती है। तो मटेरियल मैन हो गया, वेल्डर हो गया और मैकेनिक हो गया, इन लोग का भी वहां पे रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सैलरी होती है, जैसे रस्ट अबाउट सबसे लोअर ग्रेड हो गया, तो रस्ट अबाउट मतलब हेल्पर या क्लीनर आप बोल सकते हैं, उनकी जो सैलरी होती है उनकी भी सैलरी मतलब 1 लाख के आसपास में होती है। और इसके अलावा जैसे ड्रिलर हो गया, असिस्टेंट ड्रिलर हो गया, इन लोग की जो सैलरी होती है 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, इतने इतने सैलरी यहाँ पे मिलती है। रिग मैनेजर का तो 8 लाख, 10 लाख, इतना भी कम होता है।
तो रिग का जो लोग काम किए होंगे उन्हें पता होगा, और वेल्डर जो यहाँ पे जो रिग कंपनी में रिग का साइट पे जो लोग आते हैं, तो वेल्डर का भी सैलरी कम से कम 700-800 ओमानी रियाल यानी कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक, 1000-1200 ऐसे सैलरी होता है। तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए वेल्डर भी अर्न करते हैं, और जो लोग मैकेनिक होते हैं तो मैकेनिक का भी 3 लाख 4 लाख रुपए महीने की सैलरी होती है। स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए, 80,000, 1 लाख से ज़्यादा ही होता है, लेकिन एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा सैलरी उनका 3 लाख 4 लाख ऐसे महीने का सैलरी होता है। और रोटेशन जो होता है आपका, अगर 15 दिन आप काम करते हैं और 15 दिन घर पे रहते हैं, तो 15 दिन घर पे रहने का पैड लीव भी आपको मिलता है। तो इसमें क्या है कि एंट्री करना ही टफ है सबसे ज्यादा, और एक बार आप लग जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनका उसमें जॉब मिल जाता है, पूरी लाइफ उसी में निकल जाती है, और हर 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना में आप देखते होंगे कि वो लोग घर पे जाते हैं। तो यही जॉब है, बहुत ज्यादा इसमें सैलरी मिलती है, क्योंकि जहां से पेट्रोल निकलता है उसी से तो पूरा पैसा बनता है। रिग में सैलरी ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्रूड ऑयल जो निकलता है उसी से पेट्रोल, डीजल और जो किरोसिन वगैरह जो भी बनता है, तो इसी के लिए जितने भी जैसे ऑयल एंड गैस की कंपनी या रिफाइनरी का जो प्लांट बनता है, कहीं पे टैंक बनता है, पाइपिंग का काम होता है, और जहाँ पे वर्कशॉप होता है मैन्युफैक्चरिंग, जो भी वर्कशॉप वगैरह होता है वहाँ पे टैंक मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है या स्ट्रक्चर का काम होता है, पाइपिंग का काम होता है, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ये सब कोई जुड़ा हुआ है किससे, कि वो जो क्रूड ऑयल निकलता है उसी का रिफाइन करके और जो भी स्टोर करने के लिए हम लोग टैंक बनाते हैं या पाइपिंग का काम होता है, तो यही जो ऑयल होते हैं इन्हीं को तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए जो भी काम हो रहा है, तो ये सारा कुछ उसी पे टिका हुआ है। ऑयल एंड गैस का काम चल रहा है तभी तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो लोग आते हैं तो रहने के लिए बिल्डिंग्स चाहिए, तो उसके लिए सिविल का काम चलता है, रोड अच्छा होना चाहिए, यानी कि प्लांट बन रहा है तो वहां तक जाने के लिए रोड बनाना पड़ता है, तो रोड का भी काम चलता है, और उसी से मतलब इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जितना भी ऑयल एंड गैस का जो भी काम चलता है, एक तरीका से ये जो ड्रिलिंग का काम चल रहा है इसी के वजह से ये सब कुछ इधर काम चलता है। तो बहुत ही रॉयल जॉब आप बोल सकते हैं होता है, और बहुत ही अच्छे लोग पैसे कमाते हैं, सबके बस की नहीं होती है कि इसमें जॉब मिल जाए, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।